हेलो दोस्तों, आई एम शिफाली और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे आर्मी इंटेलिजेंस कोर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मोटो है सदा सतर्क यानी कि ऑलवेज अलर्ट। मिलिट्री और आर्मी इंटेलिजेंस इंडियन आर्मी की वो सपोर्ट आर्म है जो आर्मी के लिए इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, एक्सट्रूशन, इंट्रूशन, साइबर विजिलेंस, एस्पियनेज, इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस जैसे काम करती है। इसके अलावा आर्मी इंटेलिजेंस इंडियन आर्मी के मेन मटेरियल और कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स को दुश्मन देशों के सामने आने से रोकती है ताकि उनकी जानकारी अधूरी रहे। आर्मी इंटेलिजेंस को मिलिट्री ऑपरेशन डिपार्टमेंट का आंख और कान यानी कि आईज एंड ईयर्स भी कहा जाता है। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको SSB क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप सीरियस रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे CDS और OTA के ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सा कंटेंट है जो आपको CDS रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा और आप हमारे मोबाइल ऐप SSB क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंट कोर के बारे में और देखते हैं कि आप इंडियन आर्मी के इस एलीट कोर को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक ऑफिसर के तौर पर आप NDA, CDS और डायरेक्ट एंट्रीज के जरिए अकेडमी ट्रेनिंग में आर्म्स चॉइस सिलेक्शन के वक्त आर्मी इंटेलिजेंस की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल फील्ड के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। टेक्निकल फील्ड में केमिकल, IT, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अप्लाई करने वाले ऑफिसर्स को उस रिस्पेक्टिव फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए और वहीं नॉन टेक्निकल में ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले एक ऑफिसर अपनी पेरेंट यूनिट ज्वाइन करने के बाद भी आर्मी इंटेलिजेंस के लिए ऑप्ट कर सकता है, लेकिन अब इस प्रोसेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और उसकी जगह अकेडमी ट्रेनिंग के आखिरी दिनों में चॉइस ऑफ आर्म्स की फिलिंग करते वक्त उसे ऑप्ट करना मैंडेटरी किया गया है। अकेडमी में चॉइस ऑफ आर्म्स के वक्त आर्मी इंटेलिजेंस कोर के लिए काफी कंपटीशन हाई रहता है क्योंकि इसकी वैकेंसीज काफी कम रहती हैं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एंड लेडी ऑफिसर्स के क्राइटेरियो को कंबाइन करने के बाद इसमें 4-5 सीट्स ही रहती हैं, जिसके लिए एक कैडेट का मेरिट में अच्छा पोजिशन होना काफी जरूरी माना जाता है। अदर रैंक्स यानी कि OR के तौर पर आप आर्मी इंटेलिजेंस के रिक्रूटमेंट सेंटर्स और उसके बाद होने वाले रिग्रेस साइकोमेटिक टेस्ट जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर कंडक्ट करवाता है और उसको पास करने के बाद ही ज्वाइन कर सकता है। तो आइए अब हम आपको DMI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी दे देते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस इंडियन आर्म फोर्सेस की इंटेलिजेंस विंग है जिसे 1941 में सेटअप किया गया था और इसका मेन मोटिव फील्ड इंटेलिजेंस कलेक्ट करना था और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली स्थित सेना भवन में है। आर्मी इंटेलिजेंस को टैक्टिकल और फील्ड इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए ट्रेन किया जाता है, जिसमें भारत के सभी पड़ोसी देशों को भी शामिल किया गया है। अगर इनके ज्योग्राफिकल मैंडेट की बात की जाए तो उसे बॉर्डर के 50 किलोमीटर के इलाकों तक ही सीमित किया गया है, लेकिन वक्त और हालात के हिसाब से ये लिमिट्स भी काफी बार बदले जा चुके हैं। आर्मी इंटेलिजेंस का काम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में काउंटर टेररिज्म के साथ ही साथ स्मॉल टीम ऑपरेशन के लिए एक्यूरेट और पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस गैदर करने का भी है। काउंटर इंटेलिजेंस के काम जैसे कि मिलिट्री एरियाज और कैंट के आसपास दुश्मनों के ऐसे जासूसों को खोजना जो कि सेना के भीतर या बाहर रहकर सेना की गतिविधियों की जानकारी बाहर पहुंचाते हों। तो आइए अब हम बात करते हैं आर्मी इंटेलिजेंस कोर के ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें लेडी ऑफिसर्स को मिलाकर लगभग 700 ऑफिसर्स के साथ ही साथ 3000 के करीब अदर रैंक्स भी हैं। अगर रॉ और IB से कंपेयर किया जाए तो इनकी संख्या काफी कम है क्योंकि इनका स्टाफ करीब 25,000 है और आर्मी इंटेलिजेंस का बजट भी इन दोनों एजेंसीज के मुकाबले काफी कम है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन तीनों ही एजेंसीज का काम कई बार एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में पड़ता रहता है और अक्सर ये जॉइंट तरीके से कई ऑपरेशन को अंजाम भी देते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट जनरल एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं जिनकी रैंक 3-स्टार रैंक होती है और वो वेकोस यानी कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सीधा रिपोर्ट करते हैं। सो आई होप आप लोगों को इंडिया की आर्मी इंटेलिजेंस कोर के बारे में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। फॉर लेटेस्ट अपडेट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर SSB क्रैक एग्जाम्स चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।